की तरह 25 जनवरी जो आज 26 जनवरी के एक दिन पूर्व हम हर साल एक तिरंगा रैली और तिरंगा वितरण रैली निकालते हैं, उसका मेन उद्देश्य यह है कि Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. 26 जनवरी 1950 को जो हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था, उस संविधान को एक त्यौहार के रूप में सभी लोग मनाते हैं, तो हमारा उद्देश्य यह है कि पूरे दरगाह बाज़ार में जो बाहर से आए हुए ज़ायरीन हैं उनको, दरगाह बाज़ार के दुकानदारों को, उसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं तिरंगा वितरण करके कि कल जो हमारा जो त्यौहार है इसको बहुत जोश शोर से और बहुत खुशी के साथ मनाया जाए, और इस वक्त संविधान को बचाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए आज के इस प्रोग्राम की महत्वता इसलिए भी है कि इस सबको ये मैसेज जाए कि संविधान को किस तरह बचाया जाए और संविधान को बचाने की रक्षा करें। मोहम्मद महमूद खान, संयोजक तिरंगा वितरण रैली। सबसे पहले कि मैं धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन समिति को जिन्होंने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा बहुत कुर्बानी देने के बाद मुल्क आज़ाद हुआ, और उसके बाद हम लोगों को ये ज़रूरत हुई कि हमारा आईन होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, क्योंकि हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलने के बाद क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य क्या होने चाहिए, तो हमें वो कर्तव्य मिले। हमें सड़क पर चलने का अधिकार है, पर हमें हमारे आईन ने, संविधान ने ये बताया कि हमें सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए, तो हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू होने के बाद चूँकि हमें हक और अधिकार मिले, और आज हम सब लोग जो भारतवासी एक इस मुद्रा में हैं, तो वो संविधान की वजह से हैं, और आपने ये एक मैसेज देने के लिए कि संविधान हमारी ताकत है, तो उस ताकत को ज़िंदा रखने के लिए आप लोग हर वर्ष ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं, हमें भी बुलाया आज इस मौके पर, तो उसके लिए मैं इस आयोजन समिति का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने पूरे मुल्क को, और एक तरह से मेरा कहना ये कि पूरे विश्व में जो भारतवासी रह रहे हैं, सबको ये मैसेज दिया है, इस ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की पवित्र धरती से ये मैसेज दिया है कि हिंदुस्तान वासी हैं जो इस तिरंगे को इतना प्यार करते हैं कि अपनी जान से ज़्यादा इस तिरंगे को प्यार करते हैं। उसके लिए मैं इस आयोजन समिति को, पूरे मुल्कवासियों को, और विश्व में जितने भी हमारे भारतीय रह रहे हैं, सबको बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हारून खान, प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ, राजस्थान।